नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं बिहार इंस्पायर्स। आज आईपीएस और लेट्स इंस्पायर बिहार के संस्थापक विकास वैभव मधुबनी पहुंचे, जहां उन्होंने युवाओं को एक बड़ा संदेश दिया है और साथ ही मिथिला की पावन धरती को लेकर बातें भी कही हैं। वही आपको बता दें कि जब विकास वैभव मिथिला पहुंचे तो उन्हें भव्य तरीके से उनका स्वागत किया गया, उन्हें मिथिला की पारंपरिक अंगवस्त्र भी दिया गया, साथ ही फूल माला पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दरमियान जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विकास वैभव ने क्या कुछ बताया है, क्या कुछ युवाओं को संदेश दिया है, वो आप सुने। सर, मिथिला की धरती पे आए हैं, माँ जानकी की धरती कही जाती है। इसमें सर यूथ को इंस्पायर करने के लिए मधुबनी की इस धरती पे आए हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। जिस संदेश को लेकर लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान गतिमान है, उसका मूल मिथिला का ही संदेश है, जो बताती है कि सोच बड़ी होनी चाहिए और भेदभाव से परे जब चिंतन करते हैं तभी सृजन होता है। बड़ा अच्छा लग रहा है। तीसवां जिला है मधुबनी, जिसमें लेट्स इंस्पायर बिहार के अंतर्गत युवा संवाद के लिए उपस्थित हुआ हूं और संदेश यही है कि आज की युवा पीढ़ी किस प्रकार से योगदान कर सके जिससे हमारे बिहार का भविष्य उज्ज्वल हो, इसी के निमित्त संवाद करने के लिए उपस्थित। सर, लेट्स इंस्पायर बिहार का जो देखिए, बिहार की भूमि बड़ी प्राचीन भूमि रही है और जिस समय न रोड थे, न टेक्नोलॉजी थी, न सूचना के तंत्र थे, तब हम अखंड भारत के साम्राज्य का निर्माण कर सके थे, विश्वविद्यालय स्थापित कर सके थे और उस प्रकार की उद्यमिता को स्थापित कर सके थे जिससे दक्षिण पूर्वी एशिया में वियतनाम जैसे देश तक एक नगर के नाम से जाने गए। कारण क्या था? कारण जब हम देखते हैं तो सोच बड़ी थी, जातियाँ तब भी थी, लेकिन हम उस जातिवाद से परे चिंतन को विकसित होते हुए बिहार में पाते हैं। जब नंद वंश का उदय देखते हैं, आचार्य चाणक्य को भी देखते हैं, किस प्रकार चंद्रगुप्त में समर्थ को ही मानते हुए आगे बढ़े, और उसका मूल यदि पाते हैं तो मिथिला का संदेश है, जो वेदांत का संदेश है, जिसमें व्यक्ति तो व्यक्ति छोड़ दीजिए, जीवात्माओं में भेद नहीं मानने वाले हमारे पूर्वज थे, उस सोच को यदि आत्मसात करके आज हम बढ़ेंगे, संघर्षों को छोड़कर सहयोग करेंगे, चिंता को छोड़कर चिंतन करेंगे, ऊर्जा सही दिशा में लगाएंगे, उसमें तीन मूल मंत्र बिहार के इतिहास से आधारित शिक्षा, समता, उद्यमिता, उसको लेकर यदि हम चलते हैं तो निश्चित अपने जीवन काल में उस बिहार को स्थापित कर सकेंगे जिसमें शिक्षा और रोजगार के लिए किसी को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। इतिहास में अग्रणी भूमिका निभा चुके हैं उन्हीं पूर्वजों के वंशज, आवश्यकता उन्हीं पूर्वजों की दृष्टि को आत्मसात करने की है, मिलकर कुछ योगदान करने की। सर, लगातार आप छोटे शहरों में दौरा कर रहे हैं, कई जिलों में आप क्या लग रहा है, लोगों को इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है? देखिए, प्रयास तो करना होगा, बिना प्रयास के परिवर्तन होता नहीं है। मैं तो छोटे से प्रयास पर लगा हूँ, वैसे लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ जो बिहार में कुछ योगदान कर सकते हैं। मेरी दृष्टि बड़ी स्पष्ट है, समाज को नुकसान दुर्जनों के दुष्कृतियों से उतना नहीं होता जितना सज्जनों की निष्क्रियता से होता है। तो बिहार के हर भाग में ऐसे लोगों को जगाने का प्रयास कर रहा हूँ जो मिलकर यदि कुछ प्रयास करने लगे, निश्चित आने वाली पीढ़ियों को हम प्रेरित करेंगे, अपने जीवन काल में वैसा कीर्तिमान स्थापित करेंगे जो बिहार के भविष्य को परिवर्तित करें। सर, मिथिला जो है वो संस्कृति की धरती मानी जाती है, ऐतिहासिकता यहाँ का प्रमाण है, लेकिन लोग सर राजनगर अगर आप जाते हैं तो आपका जो ये मुहिम है उसमें कहीं ना कहीं ये भी देखा जाता है कि ऐतिहासिक प्रयास कर रहे हैं कि अपने स्वत्व को जानिए और लेट्स इंस्पायर भी पूरा संदेश मिथिला का ही संदेश है, मिथिला की भूमि की दृष्टि है जिसको लेकर हम आज की युवा पीढ़ी को मार्गदर्शन करने का, जगाने का प्रयास कर रहे हैं। गार्गी और यज्ञवल्क्य के बारे में भी बहुत सारे बताते रहते हैं। महिला अध्याय लेट्स इंस्पायर बिहार के अंतर्गत है, गार्गी विदुषी गार्गी व चकनवी के नाम पर ही स्थापित है, क्योंकि गार्गी प्रतीक है उस समय की जिस समय पूरे विश्व में महिलाओं की आवाज़ नहीं थी, लेकिन हमारे इस क्षेत्र में पाते हैं उनकी आवाज़ों को, ग्रंथ में भी हमने संजो कर रखा है, आज भी प्रेरणा ग्रहण करते हैं जब पाते हैं कितनी विद्वतापूर्वक उनमें क्षमता थी चुनौती देने की उस समय के सबसे बड़े विद्वानों को, तो गर्व होता है। लेकिन गर्व केवल यदि हम अनुभव करें, आज कुछ नहीं करें उससे कुछ होगा नहीं, इसलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उनकी प्रेरणा लेकर अपने जीवन काल में कुछ करें। और इसमें गार्गी चैप्टर में करीब 10 गार्गी पाठशालाएँ बिहार में अभी स्थापित हैं, सात पटना में हैं, एक मुजफ्फरपुर, एक खगड़िया और एक समस्तीपुर, जिसमें वैसी महिलाएं जो प्रबुद्ध हैं, शिक्षित हैं, उनके द्वारा वंचित बच्चों के लिए प्रयास किया जा रहा है शिक्षा दान। सर, आदर्श क्या बच्चों को संदेश देना चाहते हैं? शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि फादर्स डे यदि हम मनाते हैं तो अपने पूर्वजों का भी स्मरण करें और साथ साथ जिस परंपरा के हम वाहक हैं उसके अनुरूप कुछ योगदान करने का प्रयास करें। धन्यवाद।
तो आपने आईपीएस विकास वैभव को सुना, जिन्होंने बताया कि लेट्स इंस्पायर बिहार जो है मिथिला के युवाओं को एक संदेश देता है, अपनी संस्कृति और सभ्यता से जोड़ने की के लिए प्रेरित कर रहा है, ताकि जो युवा आजकल अपनी संस्कृति और सभ्यता से दूर जा रहे हैं उससे वो ना जाए। साथ ही मिथिला की पावन धरती को लेकर भी उन्होंने बहुत सारी बातें कही है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले, वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।